हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम सबका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और आज की वीडियो जो होने वाली है, तुमने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा। सो आज की जो वीडियो है वो इस पे होने वाली है, हेलमेट पे। तो ये हेलमेट गाइस आपको मिल जाएगी 2000 और 2500 के बीच में। और इस हेलमेट मतलब इतनी सस्ती हेलमेट में ना आपको इतना कुछ मिलेगा ना। अभी गाइस वीडियो तुम स्किप मत करना, तो मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में तुम्हें सारा कुछ दिखाऊंगा, इस हेलमेट का क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। बस वीडियो करना, स्किप मत करना। बाकी चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर शुरुआत करते हैं इस हेलमेट की ना, इसके स्पॉइलर से, तो मतलब जब मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे ना भाई होम पेज में ना ये हेलमेट मुझे भाई सामने दिखने को मिली थी बाय रोमन हेलमेट्स की तरफ से। और बाकी फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, अमेजोन पे सर्च किया, तो ये हेलमेट ना मुझे पसंद सबसे पहले पता किस जगह से आई, तो इस जगह से ना ये हेलमेट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई स्पॉइलर की वजह से। तो भाई ये ना ये स्पॉइलर तुम्हें भाई इतनी सस्ती हेलमेट है देखने को इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकता गाइस ये स्पॉइलर तुम्हें। और बात करी इस हेलमेट का भाई मिरर की, तो इसमें आपको यार एक पकड़ा है, तो इस हेलमेट आपको मिल जाएंगे दो वाइजर। एक तो ये ब्लैक स्मोक वाइजर है, और एक इसमें तुम्हें ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल जाएगा, जो कि अभी मेरे पास पड़ा है, वो मैंने इसमें इंस्टॉल किया। और सबसे मेन चीज़ इसमें आपको इंटरनल सनग्लास है वो जो मिल जाएगा। तुम देख रहे हो पूरी हेलमेट इसमें कवर होगी, तुम अपनी आंखें वाँखें कवर कर सकते हो, इसमें पूरा सनग्लास मिलेगा। एंड आपको इसमें नोज़ प्रोटेक्टर वो भी मिलेगा, तुम ये देख रहे हो यहाँ भाई, ये नोज़ प्रोटेक्टर है, ये चीज़ ये भी तुम्हें इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी ये मैंने अपना थोड़ा सा माउंट अटैच किया। और अभी इस हेलमेट की एक मेन चीज़, तुम जब हम राइडर्स को मतलब जो हमारे भाई हैं जो भी राइडर्स हैं, जब वो कहीं पे जाते हैं भाई, तो जब हम हेलमेट वेयर करते हैं ना, तो जब हेलमेट वेयर करना हम अंदर कितना कुछ पहनते हैं, मास्क पहना है, सेटअप पूरा पहना, और जब रास्ते में हमें कुछ खाना या पीना पानी पीना हो, तो हम पूरा सेटअप उतार नहीं सकते ना। तो इसलिए इसमें आपको नीचे एक बटन दिया गया छोटा सा, इस बटन को ना आप हल्का सा प्रेस करना है। ये बटन हमने किया प्रेस एंड हेलमेट आगे से गाइस खुल गया पूरी। सो इस हेलमेट का कुछ ये भी देखने को मिल जाए, तुम देख रहे हो हेलमेट आगे से पूरी गाइस खुल गया। तो आपको आप फिर से इसको ना इस तरह से, अरे यार, तो गाइज आप फिर से इस तरह से आवाज़ आपको टक की आवाज़ आएगी, सुनना गाइज सुनना, आप इसे फिर से इस तरह से बंद भी कर सकते हो हेलमेट को। और ये हेलमेट ना मुझे इतनी सी लगी। चीज़ जो बात करते हैं इसकी इंटरनल पैडिंग पे, तो ये इसकी जो पैडिंग है ना भाई, आपको 2500 के अंदर जो इसमें पैडिंग मिलने वाली है ना, वो पैडिंग आप किसी भी हेलमेट में ना और नहीं मिलने वाली, मुझसे लिखवा के लो तुम, इतनी मतलब सॉफ्ट पैडिंग है इसकी। और तुम इसकी पैडिंग ये चीज़ देख रहे हो, ये जहाँ पे ये वाइट लाइन है, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ ना रेडियम की है। जब रात के टाइम पे आपके इस जगह पे लाइट बजेगी ना, तो ये चीज़ ना ग्लो करेगी रात के टाइम पे, ठीक है। अभी मैं आपको मार के दिखाऊंगा, रुक जाओ। बाकी इसकी हेलमेट भाई मतलब पैडिंग कितनी अच्छी है ना। और मेरी हेलमेट का साइज़ तुम देख रहे हो, यहाँ पे लिखा होगा एम साइज़ है, देखो एम साइज़ की हेलमेट है। और मुझे ना बिल्कुल मतलब पूरी परफेक्ट है मेरे फेस पे। और अभी जो गाइस मेन बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है नॉट बैड, इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये हेलमेट बनी है लुक्स के लिए, और सेफ्टी के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है, सिल्वर की हेलमेट है। और इतनी भी गाइस बुरी नहीं है जितनी लोग बोलते हैं, जितनी मैं देखता हूँ गाइस रिव्यूज़, एक ब्लैक हेलमेट बोलते हैं रिव्यूज़ जितने बुरे हैं, और इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब कि तुम ये चीज़ बोल लो कि भाई अगर तुम गिर जाओगे ना हेलमेट से, और अगर तुम्हें पीछे के पार्ट से गिरोगे ना, इस पार्ट से अगर तुम मतलब क्रैश होते हो, तो ये चीज़ मतलब तुम्हें आपकी हेड इंजरी बचा लेगी। और अगर आप गाइस आगे के मुंह के बल गिरोगे ना, अगर आप बाइक चला रहे हो मुंह के बल गिरोगे, तो ये चीज़ ना इसकी खुल सकती है। लॉक देखते हो, ये इसके ये लॉक इतने मजबूत नहीं है, इतने तेज़ नहीं है, तो अगर आप कल को गिरोगे कि ये चीज़ सड़क पे बजी, तो ये खुल भी सकता है, तो आपका फेस भाई पूरा डैमेज हो सकता है, तो इसकी गारंटी नहीं है भाई। बाकी आप इसमें ना भाई एयर देखो, यहाँ से एयर सप्लाई इतनी अच्छी है ना, यहाँ पे एयर परफॉर्म, यहाँ से एयर जाएगी और यहाँ से भाई इधर से भी जाती है, और यहाँ पे पीछे से एयर बाहर आएगी। मतलब ये ना मतलब आप बोल लो 2500 के अंदर आपको इतनी अच्छी हेलमेट मिल ही नहीं सकती गाइज। मैं आपको बताऊँ, जो आप देखते हो ना गाइज SMK की हेलमेट्स होगी, एग्जर की हेलमेट होगी, उसमें ना ये चीज़ ना स्पॉइलर, ये स्पॉइलर भी इतना बड़ा नहीं मिलता, उसमें स्पॉइलर छोटा मिलता है। चलो वो तो होगी 4-5 हज़ार की बात, ठीक है। 2500 में आपको ये हेलमेट मिलेगी ना भाई, और इसमें स्पॉइलर मिलेगा आपको, इतनी अच्छी पैडिंग मिलेगी, पैडिंग में रेडियम मिलेगा, और आपको ये दो वाइजर मिलेंगे, वाइजर के अंदर इंटरनल वाइजर मिलेगा गाइस, और आपको इतनी अच्छी लुक मिलेगी ना। मेन चीज़ है गाइस आपको इस हेलमेट में ना आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, मतलब इस हेलमेट में ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन है, ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक, मैट ब्लैक, आपको ना ढेर सारे कलर इसमें देखने को मिल जाएंगे, और ग्राफिक इसमें सेम होगा, आपको ना गाइस ढेर सारे कलर इसमें देखने को मिल जाएंगे, और जो उसके ग्राफिक्स है ना वो सेम होंगे, जो भी आप हेलमेट लोगे उसके जो ग्राफिक्स है ना वो सेम होंगे, बस आपको कलर डिफरेंस मिलेगा। बाकी इस हेलमेट का यहाँ पे लिखी भी है, यहाँ पे इसका इतना वेट है, और ICI ये ब्रांड लगा यहाँ पे, और ये ब्रांड मुझे डुप्लीकेट लग रहा है, नकली लग रहा है भाई, इतना मुझे लग नहीं रहा कि है भी है। और यहाँ पे इसका नाम लिखा है स्टीलबर्ड SBA लिखा ना नाम इसका। और आपको ना मैं यहाँ पे एक चीज़ पढ़वाता हूँ गाइस, यहाँ पे ध्यान से चीज़ पढ़ो, लिखा है डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिन फ्रॉम इम्पैक्ट। तो अभी ना गाइस हम आ चुके हैं अंधेरे में, और ये चीज़ जो मैं तुम्हें बताया, ये चीज़ की रेडियम ये चीज़ है। अभी ना मैं इसको आपको फ्लैश मार के दिखाता हूँ, ये देखो, और
फैन गाइस इसका एयर वेंटिलेशन सिस्टम है ना, तुम देख रहे हो ये एयर वेंटिलेशन जो सिस्टम है इसका, ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस। इसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, ये साइड में दो मिल जाएंगे, एक ये है और एक ये है। यार मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा कैसे वीडियो बनाऊँ, और ये आपको दो ना एयर वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे भी मिल जाएंगे, एक ये है एक ये है। और पीछे स्पॉइलर की साइड से ना आपको ना एयर यहाँ से पासिंग होगी, और ना भाई गर्मी में ये पहनने के लिए ना काफ़ी अच्छी है, मतलब तुम ना तुम्हारा सिर इसमें ठंडा रहेगा, इतने में गर्म नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब पूरे अंदर तुम्हारे हेलमेट में एयर पास होते जाएगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में दिखने को दिख रही है ना इतनी, मैं तुम रियल लाइफ में देखो तुम्हारा सच में इस पर दिल आ जाएगा। मैंने भी अब से देखी इतने हेलमेट भाई, मेरा सच में इसमें दिल आ गया इस हेलमेट पे। सबसे मेन चीज़ क्या है, स्पॉइलर भाई खतरनाक, जब तुम हेलमेट पहनोगे ना भाई बाइक के साथ इतनी जचेगी ना आपकी बाइक के साथ स्पॉइलर की वजह से। सो गाइस कुछ ऐसा बॉक्स जैसा मुझे मिला था स्टील बड हेलमेट्स, और अभी बॉक्स खोल दिया, मिस्ट्री बॉक्स खोल दिया, इसमें क्या तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस बॉक्स में तुम्हें एक ये वाइजर है जो ये देखने को मिल जाएगा, ये इसका ट्रांसपेरेंट वाइजर, और यहाँ पे लिखा भी होगा यार ओरिजिनल वाइजर है ये, और यहाँ पे तुम प्राइस पढ़ रहे हो हेलमेट की 2200 कुछ है। तो ये भाई ओरिजिनल वाइजर है SBX 20 का, तो ये ट्रांसपेरेंट वाइजर है, अगर आप नाइट राइड मार से तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस हेलमेट में और इस बॉक्स में मुझे कुछ नहीं मिला भाई, ये खाली था, और इसमें ये कवर है वो जो मिला था, इसमें हेलमेट पैक थी बस, और कुछ नहीं मिला मुझे। मतलब 2500 में आपको इसके साथ वाइजर भी फ्री मिल रहा है, क्या ही चाहिए आपको, मुझे बताओ क्या ही चाहिए। गाइज अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हेलमेट किस किस बंदे को लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बंदा यार अभी नई हेलमेट लेने का सोच रहा है, जिसके पास भाई पैसे कम है, और जो बंदा मेरे भी माइंड में गाइज पहले एक्सर की हेलमेट थी कि एक्सर की हेलमेट लूंगा, बट गाइज वो ना काफ़ी महंगी हेलमेट है, 5-6 हज़ार में आपको वो हेलमेट मिलेगी, और SM की भी इतनी है, MT की भी इतनी है ना। और भाई मुझे ना एकदम से ये हेलमेट दिख गई इंस्टाग्राम पे, मुझे स्टार्टिंग में ये हेलमेट मिली थी इंस्टाग्राम पे पेज पे, रोमन हेलमेट्स के पेज पे ये हेलमेट मुझे मिली थी, और गाइस इसको स्पॉन्सर नहीं हेलमेट ये, मैं से तुम्हें बता रहा हूँ। तो उनके वहाँ पे पेज पे ये हेलमेट मिली थी, और मैंने वहाँ से ऑर्डर करवाई थी, बट वहाँ से आई नहीं, फिर ना हमारे यहाँ पे एक दुकान है, मुझे वहाँ से ये हेलमेट ऑफलाइन मिल गई थी। और अगर गाइस आप ऑनलाइन हेलमेट लोगे तो ऑनलाइन आपको मे बी सस्ती मिल जाएगी, बट अगर आप ऑफलाइन की तरफ जाओगे ऑफलाइन आपको महंगी मिलेगी। जितने लोगों ने इसका ऑनलाइन बोल रहे ना कि इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेकार हेलमेट है, सिर्फ लुक्स के लिए है, तो गाइस हाँ मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ये हेलमेट लुक्स के लिए है, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट इतनी भी बुरी नहीं है गाइस जितना लोग ना बोल रहे ना कि बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब है। जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, यहाँ पे पढ़ा होगा नीचे, यहाँ पे लिखा भी यहाँ पे साफ साफ कि भाई यहाँ पे लिखा डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिन फ्रॉम इम्पैक्ट, कि या जब ये तुम कभी भगवान ना कर तुम गाइस कभी क्रैश हो, अगर जब भी तुम क्रैश हो गए, अगर तुम फ्रंट की तरफ से क्रैश हो गए ना, तो ये बाइक खुल भी सकती है हेलमेट, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है, बट आप पीछे से अगर क्रैश हो गए तो पीछे से तुम्हें बचा लेगी, इसकी 100% गारंटी मैं दूंगा, बट फ्रंट से गाइस फ्रंट से नहीं तुम्हें बचा सकेगी, वो इसका डाउट मुझे भी फ्रंट वाला गाइस, क्योंकि फ्रंट में लॉक इसके टूट जाता है, बिकॉज जब आप जोर से अगर गिरोगे ना आपके चीना ना जब सड़क पे बजेगी तो भाई इतनी पावर से बजेगी और ये खुल भी सकती है हेलमेट, ठीक है। वैसे भी ना मुझे ये हेलमेट लिया है कोई ना कोई 2 हफ्ते हो गया, और मैं इस हेलमेट पे ना आगे GoPro भी माउंट करता हूँ, और मैं इस पर राइड्स भी किया है, मुझे इतनी बुरी नहीं लगी हेलमेट, और बुरी भी नहीं है, अच्छी हेलमेट है गाइस। और अगर मैं तुम्हें बता, अगर तुमने ये हेलमेट लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो ना, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ये हेलमेट 1-2 साल चलाऊंगा, तो ये नहीं चलने वाली 1-2 साल पे, मुझे नहीं लगता ये चलेगी। हाँ अगर आप बोल रहे हो कि 4-5 महीने चलानी है मैंने फिर नहीं लेनी है, फिर ये हेलमेट आपके लिए बेस्ट है गाइस। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए हेलमेट लेनी है, कि मैं भाई ये एक बार हेलमेट लूँगा तो बस यही लूँगा, तो ये हेलमेट आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं आएगी, ये कहीं ना कहीं आपको भी साथ छोड़ेगी आपका रास्ते में, मतलब 4-5 महीने तक ही हेलमेट अच्छी रहेगी, उसके बाद हेलमेट ना इसके पैडिंग डिले होना शुरू हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आपको एकदम से अच्छी हेलमेट लेनी है जिसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप महंगी हेलमेट की तरफ जाइए, 5-6 हज़ार आप इन्वेस्ट किए हेलमेट में, आपको एक्सर की हेलमेट काफ़ी अच्छी दिखी, वो आप जितने मर्जी साथ चलाओ उस पर कुछ नहीं जाएगा उसका हेलमेट का। बाकी बताना गाइस तुम्हें वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, बाकी मिलता है गाइस तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय गाइस, पीस आउट गाइस, बाय।